ये जी सब अहमद वालों ने ये घर तोड़ना शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब टीयर गार्डर तक जो है वो पहुंच चुका हूं मैं। तो यहां से अभी पहला टीयर हमने गिरा दिया है। नहीं, आप ये उतार देना, कोई और टोपी पहन लो। सारी जिंदगी यही पहनोगे? ये मैं ऊपर टोपी एक ऊपर ला लूंगा और पहनूंगा। अच्छा, मैं कहता है इसको उतारना नहीं है। वो जो टोपी मैं कह रही हूँ इसको, मैं ब्लैक वाली रखी है न्यू, वो ले आती हूँ। वो कहता है वो ले आओ, इस टोपी को ऊपर चढ़ाऊंगा फिर पहनूंगा, डबल करके पहनूंगा। हाँ, इसको उतारना नहीं है। जब मिट्टी हो जाएगी ये, फिर क्या करोगे? ये भी टोपी पहनूंगा, उसके ऊपर और चढ़ाऊंगा। और टोपी पहनोगे ना? हाँ। इसको धुलवा लेना फिर। हाँ। ठीक है। हाँ, इसको धुलवा लेगा फिर और जो है ना वो कर लेगा। आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो अभी जो है सुबह का टाइम है और मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह जो है आप देख रहे हैं कि मैंने मिर्ची जो है वो काटी हुई है और प्याज काटे हैं, टमाटर काटे हैं, वो इसीलिए कि आज हम बना रहे हैं अंडे सब्ज मिर्ची वाला, क्योंकि रात हमारी दावत थी भाई के घर। तो हम रात तो वहाँ से खा के आए थे, लेकिन अभी जो है ना खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और आटा तो मैंने गूंद दिया है, मसाले वगैरह काट दिए हैं। अभी जो है मैं लेके जाती हूँ किचन में और वहाँ पे जो है ना हम बनाएंगे अंडे। तो आप सबने हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि आज हमारी वीडियो मजेदार होने वाली है। तो जी, अभी जो है ना दवाई पी लेता हूँ। आप जो है ना, जैसे मैंने पी है ना, गले की खारिश जो है ना वो बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल उसी टाइम जो है वो रुक जाती है। तो अभी जो है चले हमारा व्लॉग बन जाएगा, फिर बाद में आज फिर डॉक्टर को चेक करवाऊंगा, क्योंकि काली दवाई लेके आया हूँ, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। जब पी लेता हूँ तो ठीक है, वरना फिर दोबारा से ना ऐसे शुरू हो जाती है। हसन जानी अभी सो रहा है जी, ये हमने जब सुबह वाली नमाज पढ़ी ना उस टाइम ये जाग रहा था, फिर सबा भी मैं भी हम सो गए, लेकिन ये जो है ना फिर खेलता रहा, फिर पता नहीं किस टाइम को ये सोया है। अभी तो अम्मी जान उठने भी नहीं दे रही, झूला दे रही है। सोता रहता, सुकून कर ले, पीछे सारा दिन देते चलता रहता है। नहीं, इसको ना सुबह उठना चाहिए 7-8 बजे, फिर ये खेलता रहे ठंडे मौसम को। जब फिर गर्म दिन हो ना, फिर इसको नींद सताए ना, फिर ये दोपहर को सो जाए, लेकिन ये दोपहर को तो उठा रहता है। चले अभी तो नाश्ता वगैरह बना रहे हैं ना, तो तब तक सोया रहे तो अच्छी बात है, वरना ये तब गरम गरम तवे पे हाथ मारता है। वसीम भी इधर आया हुआ है और वसीम के पैर पे हो गई है एलर्जी, ये देखें कितनी खतरनाक एलर्जी है। इसने मैयदीन भाई के घर से ना एक रोटी सुबह सुबह खाई है और अभी अपनी मम्मा के साथ बैठा है कि जब भी रोटी पकाएगी ना मैं एक रोटी उठाकर उनको दे आऊँगा। कहता वो उन्होंने अपने बच्चों के लिए रखी थी, तो मैं खा के आ गया हूँ, तो आप जल्दी से पकाओ, मैं तो दे आऊँ उनको ताकि उनके बच्चे खाएँगे ना। हाँ जी, बस अल्लाह करे ऐसे ही अपने बाबा के असूलों पर, बाबा की ऐसी बातों पर चलता रहे ना, जैसे माशाल्लाह तो ये फिर ज़बरदस्त बन जाएगा माशाल्लाह बेबो, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना वो अपने बाप पर जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाते हैं। सही है, फीकी खेल आती है, अच्छी खेल नहीं आती। क्या वजह? कुछ नहीं, कुछ है तो सही, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सही है, अच्छी बात है, औलाद को बाप पे ही जाना चाहिए क्योंकि ज्यादा बाप का हक होता है ना।
प्याज डाल दिए क्योंकि ये प्याज थे हमारे पास सिंध वाले कड़वे और सखत जो कि गले में भी नहीं आता। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है जो हमारा एक मुरब्बा उधर सिंध में है ना, तो वो हमने प्याजों का बीजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ सिंध से हमारे भाई हैं, वो ख्याल श्याल करते हैं, जब माल तैयार हो जाता है भिजवा देते होते हैं, उनका भी हिस्सा होता है हमारा भी, तो उसी से मंगवाए हैं हमने। जैसे ना ये मंडी में काम करती हो, इसको पता हो कि ये जी सिंध वाले प्याज हैं, ये जी फल है। रेड वाला जो है ना, ये प्याज ये सिंध से ही आता है, ये बीजा हुआ ये सिंध होता है। जल्दी करो, फिर हमने अपने पुराने घर को तोड़ना भी है आज। अच्छा हाँ, बस खाना तो बना ले, खा ले, फिर चलते हैं। हाँ टाइम थोड़ा है ना, फिर धूप ज्यादा निकल आएगी, अभी धूप कुछ फिर भी कम है। जहाँ से छांव होगी हम वहाँ से तोड़ेंगे ना। इंशाल्लाह आज से जो है ना स्टार्ट करते हैं काम, क्योंकि अगर लेट करते जाएंगे तो लेट ही होता जाएगा। हाँ जी, तो आज जो है इंशाल्लाह पुराने घर को तोड़ना शुरू करते हैं। आप सब ने साथ रहना है, क्योंकि आपने देखते जाना है, बताते जाना है, जैसे आपने गाइड किया है कि हम इस बड़े घर की साइड से ना उसका दरवाजा निकालना है। वैसे ये हमारे दिमाग में नहीं था ना। हाँ जी, अरे सबा सबा जी, वो नाश्ता बन गया है? हाँ जी बन गया है। तो फिर वो खाना चाहिए? बिल्कुल, तो चलो खाओ फिर। खाने के लिए तो बनाया है, मुझे तो भूख नहीं है, पर सबा आप खाओगी ना, मैं आपके साथ दो चार निवाले खा लूंगा। तो फिर ले आओ यहाँ पे। नहीं उधर ही बैठ के खा लेते हैं बाहर, वो पंखा चला लेंगे ना वहाँ पे। चलो उधर नीचे बैठ के खाएंगे ना, ठंडा फर्श है ना। हाँ अच्छा लगेगा। वो मैंने ये उसको चेक करवाया, कहता है आपके मैदे में गर्मी है तो कैप्सूल लो। अच्छा, तो फिर वो लिख देता है, फिर मेरे लिए ले आओ। ठीक है ले आऊंगा सबा। चलो अभी आप चलो नाश्ता करते हैं, क्योंकि रात से आपने, रात भी आपने बहुत कम खाना खाया था सबा, भूख लगी होगी आपको। चलो खैरियत तो है, ये खुशामद कोठी जा रही है, वो घर तोड़वा रहा है मुझसे क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जरा आगे चले, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। सर आप आगे, यकीन मानो सबा मुझे भूख नहीं है, यकीन मानो, लेकिन क्या करूँ, आप जब खा रही होती है ना, आपको देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं भी सबा के साथ बैठ के खा लूँ। सबा के साथ खाना खाने के लोग तरसते हैं। ये अंडे बाद में खाएंगे, पहले मैं ना आपको इसका गन दिखाता हूँ। ये देखे जी, इतना बड़ा गन इसका, अंडे बनाने वाली ये क्या होती है, ये क्या होती है सबा? फ्राई बान। इसका गन कितना बड़ा बना दिया उन्होंने, कि किसी के ना इधर भी पकड़ सकते हैं, इधर मतलब हाथ वगैरह जो है ना वो ना जले। और अंडे भी जबरदस्त बनाए हुए हैं, रोटी भी वीआईपी बनाई हुई है। तो चले अभी जो है ना इंशाल्लाह, आज काम वाले नहीं आया? नहीं अभी तक आए नहीं है, पता नहीं। अच्छा हां जी, शायद लेट है, शायद उधर ना काम कर रहे हो असलम भाई के घर। क्योंकि वो तो काम वाली बाजियां जो है ना, उनको असलम भाई ने भी जो है सिलेक्ट किया है उधर अपने घर के काम के लिए भी, तो इसलिए शायद वो पहले उनका काम करेंगे, बाद में जो है ना हमारे घर में आएंगे। तब तक हम नाश्ता, तो पहले हमारा घर जाती थी ना, आज भी नहीं है, पता नहीं। असलम भाई ने कहा था कि आप हमारे घर 6 बजे आया करो सुबह। नहीं वो फिर बाजी ने उनको कहा कि अभी फिलहाल जो है ना मैं नहीं खा सकती, सही, तो 2-2.5 मंथ के बाद जो है ना मैं स्टार्ट करूंगी। सही, फिलहाल जो है मैं थोड़ा बता काम जो होता है वो खा दूंगी। चलो अब शायद वहाँ पे होंगी या घर पे होंगी, पूरा पता नहीं, अभी 11-12 बजने वाले हैं, उधर ही होंगे तकरीबन, फिर इधर आ जाएंगे। तब तक हम जल्दी से नाश्ता करके आज जो है ना कुछ तोड़ आते हैं अपना पुराने मकान, जो जो चीज़ें आज तोड़ी जाएंगी ना वो बेहतर हो जाएगा। उसके बाद ना फिर हमने जो दुकान वाला दरवाज़ा है ना, उसके साथ जो रेत पड़ी है वो खाली करनी है, दरवाज़ा खोलना है, उसमें जो फ्रीज़र पड़ा है हमारा न्यू वाला, वो तो फ्रीज़र यहाँ पर लेके आना है, उनकी सफाई वगैरह धुलवा के ना किसी कमरे में एडजस्ट करके उसको चला देते हैं। ठीक हो गया, मतलब थोड़ा बहुत उसको भी रनिंग में रखेंगे, थोड़ा बहुत इसको भी रनिंग में रखेंगे, समझ आ गई ना? अच्छा, क्योंकि वो उधर पड़े पड़े, आपको पता है, पता है कितने का हो गया है? 10,000 कम 1,00,000 का फ्रीजर है वो हमारे पास। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हाँ
और फिर सेल पे लगा देंगे, ओलेक्स पे चढ़ा देंगे, शायद कोई लेने वाला आया तो बेच देंगे, क्योंकि ऐसे पड़े पड़े ना जब। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये मुझे ये बताओ, ये बोतल आपने रखी थी ऊपर वाले खाने में, ये स्प्राइट की है असल? हाँ जी, वो मैंने कहा जल्दी ठंडी हो जाए, फिर रात आपने मेरे लिए लेकर आई थी, फिर आपने कहाँ रखा था? नहीं वो और है हाजी। नहीं नहीं एक ही बोतल थी? नहीं नहीं वो और है। अच्छा वो मैंने नीचे वाले खाने में रखी हुई है, ये है वो। तो ये पानी है ना? नहीं बोतल है। अच्छा चलो अभी नीचे वाले खाने में रख। ख्याल में कल जो आप मेहमान कह रहे थे कि मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो आपने लेके ऊपर वाले खाने में रख दिए, हमें पता नहीं था। चलो अभी रख दो नीचे। चलो फिर ठीक है, ले आओ नाश्ता। तो जी माशाल्लाह से हमने नाश्ता जो है वो कर लिया हुआ है, और अभी जो है हम जा रहे हैं अपने पुराने घर में, उसमें जो है हमारा फ्रिज पड़ा हुआ है, तो वो अभी निकालते हैं और बाजी लोगों को देते हैं, ताकि वो साफ सुथरा करके ना उसको हवा वगैरह लगवा लेंगे, फिर जो है ना उसको हम एक कमरे में एडजस्ट कर देंगे, ताकि वो जो है ना ऐसे रखे रखे खराब ना हो जाए। तो फिर आगे जो है ना रेत पड़ी हुई है, इसको भी हम आगे से हटाते हैं, क्योंकि ये खुलेगा तो फ्रिज निकलेगा ना, अगर ये बंद रहेगा तो फिर फ्रिज कहाँ से निकालेंगे? जो अंदर वाला दरवाजा है वो तंग है, तो उधर से नहीं निकल पा। लड़का भेजा था, दरवाजा खुल गया है, आ जाए। तो दरवाजा जो है वो हमने खुलवा दिया हुआ था, तो अभी पहले इसमें देखते हैं कि इसमें जो है ना क्या क्या चीजें पड़ी हुई है। चलो आगे इधर है, भाई लोगों का सामान पड़ा हुआ है। हाँ जी इधर ये भी पड़ा हुआ है, उसके बाद जो है ना ये वाला देखें, फ्रिज फ्रिज की हालत अब क्या, यहाँ पे पड़ा रहा ना ये देखें, बिल्कुल न्यू फ्रीजर है, बिल्कुल न्यू, जैसे आपको पता है हमने बिल्कुल न्यू परचेज किया था, तो इसकी हालत ना खत्म हो जाएगी, इसके अंदर भी गंदा हुआ पड़ा है। हाँ तो बस ये उठा के ना उस दरवाजे से ले जाते हैं, तो इंशाल्लाह फिर घर और देते हैं, इनकी सफाई वगैरह करवा ओके करवा के ना सर्फ से धो के फिर हम इसको एडजस्टमेंट करवा देंगे एक कमरे में, फिर हल्का हल्का चलाते रहेंगे, थोड़ा सा चला देंगे 10-15 मिनट, जब ठंडा हो जाएगा फिर बंद कर देंगे, इस पे ज्यादा लोड नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा इतना काम ही नहीं है जो हम इस पे लोड डालेंगे, फिर बिजली के बिल भी तो इतनी महंगे हैं। और ये जी इंशाल्लाह इसकी छत की बारी तकरीबन कल जो है ना हम शुरू करेंगे, आज जो है ना आज हम गैलरी से शुरू करते हैं, वहां से तोड़ना। चले जी ओके आ जाए, पहले रेत हटाए, पहले फ्रिज निकाले ना, फ्रिज भी निकाल लेते हैं, वो बात का मसला है। अच्छा। हाँ जी पहले आज इधर से शुरुआत तो कर लेना, इस हाँ इधर से तोड़ने की शुरुआत तो कर लेना, ताकि इसको थोड़ी हवा शवा लग रहा है। हाँ सही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जी ये चढ़ रहा है ऊपर घर को तोड़ने के लिए, और चढ़ने का तरीका इसका चेक करें कि दीवार क्योंकि लंबी है ना, तो रिक्शे के ऊपर चढ़ के फिर जो है ना दीवार पे चढ़ रहे हैं सर जी। चलें कहाँ से स्टार्ट करना है तोड़ना? यहाँ से बस आप देखिए मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा भाइयों दिन के वॉशरूम से शुरू कर लेते हैं। नहीं उनके वॉशरूम नहीं तोड़नी, अपना ये जो छपरा बना हुआ है इसको तोड़ना है, ख्याल से नीचे नहीं गिर जाना। टांगे तो कांप रही है मेरी। डर कैसे रहे हैं देखें, कांप रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा आपको पता है ऊपर चढ़ा लिया ना दरख्तों पे इस तरह से। तो अब कैसे तोड़ोगे? हथौड़ी के बगैर तो ये इसका गुजारा नहीं है, क्योंकि सीमेंट लगा हुआ है सारा। एक बार एक टाइल निकल आएगी ना एक सिल। अच्छा एक सारी टूटती जाएंगी। चलो तोड़ के दिखाओ फिर। तो जी तोड़ने का स्टाइल चेक करें, वो हमारे पास हथौड़ियां वगैरह तो थी नहीं, तो अभी जो है ना ईंट के साथ जो है ना हम इसका सीमेंट जो है वो खोल रहे हैं, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह एक दिन जो है ना ये सारा घर जो है हम तोड़ देंगे। तो अभी सिर्फ एक बंदोरा जो है ना जो हम क्या कहते हैं तरक्की में बनूंगा वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि सीमेंट इतना पकी हुई पड़ी है। तो जी अभी जो है ना पहला बनोड़ा कामयाबी से जो है ना वो समझ ले टूट चुका है, ये
दो ईंट जो है ना वो रह गई है, ओ खुद टूट गई। भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं मकान तोड़ना जो है वो शुरू कर दिया है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये मकान बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसकी वजह ये है कि अब सब ने अपने अपने घर बनाए हैं ना, तो चारों चुफेर उनके घर जो है ना वो ऊंचे हो गए हैं। अभी हमारा घर जो है ना वो नीचे हो गया है, तो इसको अभी सारा कुछ तोड़ के ना फिर इसको ऊपर करेंगे, भरा डालेंगे मिट्टी से, और फिर जो है ना ये जब ऊपर हो जाएगा तो कोशिश करेंगे सबसे ऊपर फिर ये हमारा घर हो, ताकि कल को कोई बनाए ना तो फिर वो भी हमारे जो है ना मकान वो फिर हमसे ऊंचे बैठेंगे। हाँ। तो ये जो है ना हम ऊपर बनाएंगे, ऊंचा करके बनाएंगे, और VIP जैसा आपको बताया है, तो इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए। आज से जो है ना शुरुआत हो चुकी है बिल्कुल, बाकी जो है मिस्त्री मजदूर वगैरह उनसे भी आज बात वगैरह करेंगे, उनको बुलाएंगे, क्योंकि अब पूरे घर को सारी चीजें हम तो नहीं गिरा सकते ना बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने काम काज भी करने हैं, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह VIP माहौल फिर पता ही नहीं चलेगा इंशाल्लाह कैसे गिरते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी अब टीयर गार्डर तक जो है वो पहुंच चुका हूं मैं, तो यहां से अभी पहला टीयर हमने गिरा दिया है, तो अभी ऐसा ऐसा ना इस तरह से ऐसे गिराते जाएंगे इंशाल्लाह। यार ऐसे पट्टो पटीते नहीं है, ये हथौड़ी मारो टूट जाते हैं, यार कोई हल बताओ इसका। हल बताओ? हल ये है कि ये सीमेंट है ना, बस बस ज्यादा ना मारो टूट जाती है। ऐसा ऐसा से पहले ये देखो ऐसे साफ पटीचे ना, फिर तो फिर जब नीचे गिराते हो वही साफ वाला दो टुकड़े हो चुका है। नहीं टूट रहा नीचे। मैं एक मशवरा दूं आपको, नीचे नहीं गिराओ इसको, ऊपर उस दीवार पर रखते जाओ, वो दूसरी दीवार पे ठीक है वहाँ पर रखते जाओ। अस्सलाम वालेकुम मुंशी। मुंशी क्या हाल है तेरा, ठीक है? वेला वदिया फरी है। मैं किसी वेले हों दो या काम करें दो आजकल कल कितने कितना काम करने पे हो तू, क्या की इतनी मशहूर थी क्या मेरे को बारू फोन आते पे? अल्लाह का करम है यार, ओ मेरा काम है तकरीबन कोई देखो 6 महीने का या 4 महीने का है, पक्का काम है। अच्छा वाला कड़ा तशरीफ गए नमदी है सवेरे सवेरे आ रहा हूं मैं, और छत पटे ना बैठा कोठे दी। मेरे पुराने घर नहीं हां हां वो पटने सारे ते वाला दोबारा बनावणन। हाँ जी सबा, अभी जो है ना मैंने स्टार्टिंग जो है वो कर दी है, जैसे कि मेन चीज़ ये होती है जब ये अभी पट्टी गई है ना तो आगे जो है रास्ता बन गया है, तो ये इंशाल्लाह ताला अब दूसरा हो जाएगा। दूसरा मुंशी को भी कॉल किए, कल या परसों वाले दिन मिस्त्री आ जाएगा, वो मजदूर जो मुंशी था हमारा, तो फिर जो है ना ये सारा हम मिलजुल कर ना तोड़ना शुरू कर देंगे, सही है? तो इंशाल्लाह कुछ दिन ऐसे हफ्ते के अंदर अंदर पूरे घर को हमने हाँ जी पसमार कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाक फौज सब इन भाई, बाय बाय जी। यार एक काम था आपसे, वो करवा के जाओ ये ना वो नंबरदार कहीं पड़ी हो तो वो ले आओ, थोड़ी सी हमने दरवाजे से आगे ना रेत हटानी है, और फिर ना यहाँ से हमने फ्रीजर निकालना है। हाँ फ्रीजर सारा गंदा हो रहा है अभी सामान, अभी ना इसको बाजियों को देते हैं, वो धो के फ्रेश करके किसी कमरे में एडजस्ट कर देंगे, सही हो गया? इस दरवाजे से नहीं निकलना, छोटा है वो, बाहरले वाला बड़ा है। आप रुको फिर निकाल के फिर चले जाना।